राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो आप सभी की बहुत ज़्यादा डिमांड होती है वृंदावन ब्लॉग्स की, वृंदावन शॉपिंग हॉल्स देखने की, साथ में वृंदावन गोपी ड्रेस। तो आज मैंने सोचा इस बार जो मैं वृंदावन से शॉपिंग करके लाई हूँ वो आप सबके साथ शेयर करती हूँ। तो सबसे पहले जो गोपी ड्रेस मैंने पहन रखी है ये मैंने पहले आपके साथ शेयर की है। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है अभी तक तो प्लीज़ देखिए, आप सभी का बहुत सारा प्यार मिल रहा है मेरी वृंदावन शॉपिंग वीडियोज़ पर, उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। सब कुछ उन्हीं की कृपा से होता है। आज का वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले, अभी भी बहुत सारे लोगों को नहीं पता है गोपी ड्रेस क्या होती है, तो मैं बता देती हूँ। गोपी ड्रेस पे एक रेडीमेड, जैसे ये वाला ब्लाउज है मेरा, इस तरह का ब्लाउज आता है, साथ में एक घेर वाली स्कर्ट आती है और एक दुपट्टा आता है। बेसिक जो गोपी ड्रेस होती है वो कॉटन की होती है, विद इन लाइक 500 से स्टार्टिंग है। इसके पहले भी मैंने बहुत सारे वीडियो शेयर किए हैं, अगर आपने नहीं देखे हैं तो जरूर चेक कर लीजिएगा। 500 से स्टार्टिंग है और अलग अलग उसमें भी क्वालिटी होती है, जैसे कि किसी में ये ब्लाउज स्टिच है इस तरह से, किसी में शॉर्ट ब्लाउज होता है, और कभी कभी मटेरियल मिलता है आपको, एक मीटर डेढ़ मीटर का कपड़ा मिलता है जिसे कि आप अपने अकॉर्डिंग सिलवा सकते हैं। तो और स्कर्ट में भी बहुत तरीके की अब स्कर्ट आने लगी है। अब हर चीज़ जो है ना, जो बेसिक था उससे चेंज हो जाता जा रहा है, और आजकल जो बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है, जो बहुत ज़्यादा लोग डिमांड करते हैं अंडर स्कर्ट वाला, तो वो एक साड़ी प्लस गोपी ड्रेस का मिक्स है, जिसमें कि आपको बहुत ही घेरदार स्कर्ट मिलती है जिसको अंडर स्कर्ट कहते हैं, जो 2000 प्लस में आती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा घेर होता है। जो लोग डांस वीडियोज़ बनाते हैं वृंदावन के या उस तरीके का परफॉर्मेंस करते हैं, उनके लिए मतलब वो वाली ड्रेस पसंद, मतलब ज़्यादा लोग पसंद कर रहे हैं आजकल, क्योंकि वो देखने में बहुत सुंदर लगती है, बहुत ज़्यादा घेर होता है, और उसके साथ में एक कॉटन की साड़ी भी अटैच की जाती है। तो वो वाली गोपी ड्रेस के लिए बहुत ज़्यादा डिमांड मेरे पास भी आ रही थी, बहुत सारे मैसेजेस आ रहे थे। तो मेरे पास इस समय वो वाली गोपी ड्रेस नहीं है, मेरे पास नॉर्मल गोपी ड्रेस है, और इस तरह की जो बेसिक गोपी ड्रेसेस होती हैं जो डेली वेयर में यूज़ करते हैं, वो वाली गोपी ड्रेसेस हैं। तो मैंने जो पहन रखी है एकदम बेसिक वाली है। इसके अलावा जो मैं लेके आई हूँ इस बार वो दिखाती हूँ आपको, आपके ऊपर है कि आप उसको कैसे कैरी करते हो गोपी ड्रेस को। आप जो ट्रेडिशनल वे है वो तो पूरा कवर, पूरा फुल कवर होना चाहिए, लेकिन आजकल आप अपने हिसाब से कैरी करते हैं, सबको जैसा अच्छा लगता है। तो चलिए मैं दिखाती हूँ अपना जो भी मैं लेके आई हूँ इस बार। साथ में बहुत बार क्या होता है कि हम सिर्फ स्कर्ट ले आते हैं, मैंने भी पिछली बार भी दिखाया था कि मैं 2-3 स्कर्ट लेके आई थी, तो घेर वाली, खूब घेर वाली स्कर्ट लेके आइए, अपने अकॉर्डिंग अपनी चॉइस का ब्लाउज बनवाइए, साथ में आप उस पर दुपट्टा कोई भी अपना ले सकते हैं जो कलरफुल हो, सुंदर हो, तो और अच्छे से कैरी करिए, तो वो भी गोपी ड्रेस का लुक देता है। एक्चुअली गोपी ड्रेस में मतलब क्या होता है कि आपका ब्लाउज पूरा फुल कवर होना चाहिए, साथ में घेर वाली स्कर्ट होनी चाहिए, और दुपट्टा लेने का स्टाइल जो है वो मिक्स है, सीधा पल्ला उल्टा पल्ला, मतलब उल्टा सीधे में भी लोग लेते हैं और उल्टे में भी लेते हैं, तो आपको जो आसानी लगती है वैसे लीजिए। चलिए मैं दिखा दूंगी अभी कि कैसे मैंने कैरी किया है। तो सबसे पहले दिखाती हूँ मैं आपको अपनी शॉपिंग, इसमें सबसे पहले मैं स्कर्ट दिखाती हूँ। ये वाली स्कर्ट मुझे एक ही बार देखी मैंने और मुझे पसंद आ गई थी, तो ये एक बेसिक स्कर्ट है जिसको कि आप चनिया चोली की तरह भी यूज़ कर सकते हैं, साथ में ये बहुत ही ज़्यादा घेर वाली है, तो इसको आप जो है गरबा के टाइम पे भी मैं यूज़ कर सकती हूँ यहाँ पे, और एज अ गोपी ड्रेस भी। इसका प्रिंट देखिए कितना सुंदर है, बहुत ही सुंदर सा इस तरह का येल्लो कलर है, और पूरा ये इस तरह का लग, फुल्ली इलास्टिक है, और साथ में डोरी भी दी हुई है, और यहाँ पे इसका जो मटेरियल है ना, ये रेयन कॉटन है, बहुत ही सॉफ्ट वाला और एकदम ब्रीदेबल मटेरियल है। प्रिंट इतना खूबसूरत है, एकदम मतलब भगवान के धाम का ही प्रिंट है, पूरा मोर पंखी बनी हुई है, और इस तरीके से ये बॉर्डर दिया हुआ है। तो इसको आप नॉर्मल स्कर्ट की तरह भी पहन सकते हैं, गोपी ड्रेस की तरह भी पहन सकते हैं, और साथ में चनिया चोली के साथ मतलब गरबा में और उसमें भी पहन सकते हैं। तो इन सभी का प्राइस मैं यहाँ साइड में मेंशन कर दूंगी, आप देख लीजिएगा। इसमें तो अभी कहीं लगा नहीं है, मैंने शायद निकाल दिया होगा। ये मतलब 1000 के आसपास की ये स्कर्ट है, क्योंकि बहुत ही सुंदर सी है, तो इस तरह की स्कर्ट्स भी रहती है। तो अगर आपको चाहिए तो आप मुझे इंस्टा पे मैसेज करिए। पहले जो एक नंबर मैंने आप लोग के साथ शेयर किया था ना गोपी ड्रेस के लिए, वो नंबर पे इतने ज़्यादा स्पैम मैसेज आते हैं, तो आपको अगर सीरियसली आप लेना चाहते हैं तो आप इंस्टा पे मैसेज करिए। मेरा इंस्टाग्राम आईडी यहाँ आ रहा है नीचे, इस पर देख लीजिए और यहाँ पे मैसेज करिए। अगर आपको सीरियसली सच में चाहिए तो स्क्रीनशॉट लीजिए वीडियो का और मुझे वहाँ पे मैसेज करिए कि ये वाला चाहिए, तो मैं आपके साथ शेयर करूंगी आगे की इन्फॉर्मेशन। तो बहुत सारे लोगों ने भी मैसेज किए थे, बहुत सारे लोगों को रिस्पांस मिला है, और जो शॉप्स में शेयर करती हूँ विष्णुप्रिया जी का, मतलब मेरी सारी शॉपिंग जो है ना इनके यहाँ से ही होती है, विष्णुप्रिया जी के यहाँ से ही होती है।
तो विष्णु प्रिया जी का, इनका भी पूरा डिटेल मैं अभी दिखा दूंगी अलग से, भी इस पे भी नंबर दिया, आप इस पे भी एड्रेस वगैरह के लिए कभी कभी कंफ्यूज होते हैं ना आप लोग, तो वहां से आप चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट जो मैं लेके आई हूँ गोपी ड्रेस, ये लहंगा स्टाइल का है, बहुत ही खूबसूरत है। इसको आप कैसे कैरी करेंगे ये देखिए, इस तरीके से कोटा का मटीरियल है, कॉटन का। इसके साथ में आपको अंदर एक पेटीकोट या अंडरस्कर्ट पहननी पड़ेगी क्योंकि ये थिन मटीरियल है। इसके साथ में आपको चाहिए होगा, लाइनिंग दी हुई है लेकिन फिर भी आपको चाहिए होगा, और बहुत ही सुंदर सा इस तरह से ये वाला प्रिंट है, पूरा अम्ब्रेला स्कर्ट है, और ये देखिए कितना सुंदर इसका बॉर्डर और सब कुछ है, बहुत ही खूबसूरत। और इसको भी आप लहंगा की तरह भी और गोपी ड्रेस की तरह भी, दोनों की तरह आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो बहुत सुंदर एकदम, इसका मैंने जो उनकी शॉप का भी इस बार वीडियो बनाया था उसमें मैंने दिखाया था, और ये कलर कॉम्बिनेशन ना ब्लू, नेवी ब्लू, लाइक ब्लू एंड मेजेंटा एवर ग्रीन है। इसके साथ में ये ब्लाउज आता है पूरा, और ये है दुपट्टा। तो इस तरीके से ये पूरा सेट है, बहुत खूबसूरत है, और ये मैं लेके आई हूँ कि इसको मतलब मैं बनवा लूँगी यहाँ पे और उसके बाद आपके साथ शेयर करूँगी। तो इस तरीके का अगर सेट आपको चाहिए तो आप मैसेज कर सकते हैं मुझे और बता सकते हैं। तो ये सारे सेट्स जो है ना बहुत ही रीजनेबल प्राइस पे अवेलेबल हैं। साथ में उनकी शॉप में बहुत सारी और चीज़ें हैं, टॉप्स हैं, बहुत सारे स्कर्ट्स हैं, तो इन सारी चीज़ों का अगर आपको कलेक्शन, अगर आप वृंदावन जा रहे हैं और सारी चीज़ें आपको चाहिए तो वहाँ देख सकते हैं। इसका जो ब्लाउज़ का मटेरियल है ना, ये कॉटन नहीं है 100%, ये थोड़ा सा मिक्स मटेरियल है। तो आप ये सारी चीज़ें देख के, अगर आपको ये नहीं बनवाना है तो आप प्लेन बनवा सकते हैं। जैसे मेरे पास नेवी ब्लू कलर का ऑलरेडी एक ब्लाउज़ है, पिंक भी ब्लाउज़ है, तो मैं उसके साथ भी इसको कैरी कर सकती हूँ। तो ये सारी जो ये वाला जो मटेरियल है ना, ये स्कर्ट और इस तरह का, ये मतलब गोपी ड्रेस नहीं कहेंगे इसको, आप लहंगा ही बोल सकते हैं, लहंगा या चनिया चोली जो भी, उसको अपने अकॉर्डिंग आप स्टिच करवाइए। जब आप कैरी करते हैं तो उसको अगर आप एज अ गोपी ड्रेस कैरी करते हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है, लेकिन अगर आप चनिया चोली की तरह कैरी करना चाहते हैं तो वैसे भी कर सकते हैं। तो ये ऑल अप टू यू है, आपके ऊपर है। तो देखिए कितना सुंदर कलर है। तो इस तरह की अगर आपको चाहिए तो आप लोही बाजार में विष्णु प्रिया जी की शॉप पे जा सकते हैं, और अगर ऑनलाइन चाहिए तो आप मुझे इंस्टा पे मैसेज कर सकते हैं। नेक्स्ट अगेन, ये भी बहुत सुंदर पीस है, ये है रेयॉन मटेरियल में, और रेयॉन जो है ना बहुत ही कंफर्टेबल मटेरियल है, तो मुझे ये बहुत पसंद आया था। और एक्चुअली इसका मटेरियल, दुपट्टा, सब कुछ, ये भी मैंने आपके साथ जो वीडियो शेयर किया उसमें दिखाया है, पूरी बहुत घेर वाली स्कर्ट है अच्छी खासी, ये देखिए इतनी घेर वाली स्कर्ट है, ये बहुत ज़्यादा, और जितना ज़्यादा घेर होता है उतना ही ये प्राइसी होगा। तो ये पूरी इस तरह से स्कर्ट, यहाँ पे बेल्ट है पूरी ऐसे, और इसमें ये फ्री साइज़ होता है, साइज़ की कोई प्रॉब्लम नहीं होती, कोई बहुत ज़्यादा लाइक अगर आपको प्लस साइज़ चाहिए तो बात अलग है, अदरवाइज़ ये नॉर्मली एक्सल साइज़ तक सबको आ जाता है, एक्सल डबल एक्सल तक एकदम फिट होता है ये। तो इसका जो मटेरियल है ये रेयॉन मटेरियल है, देखिए ये 1500 प्लस है, 1600 या 1700 की है, आपको बहुत ही रीजनेबल प्राइस पे मिलेगा वहाँ पे। और इसमें भी बहुत सारे कलर्स अवेलेबल हैं, बहुत सुंदर है। इस पर देखिए गोल्डन फॉयल प्रिंट भी हो रखा है और मल्टी कलर है, इसको आप एज अ लहंगा पहन सकते हैं, कैसे भी पहन सकते हैं। इसमें इसी का सेम कलर का इस तरह से ये दुपट्टा मतलब ब्लाउज पीस दिया हुआ है, बहुत सुंदर ब्लाउज पीस है। इसको अगर आप स्टिच करवाएंगे कुर्ती की स्टाइल में, इस तरह जैसे मैंने पहन रखा है, इस तरह कुर्ती स्टाइल में बनवाएंगे तो बहुत ही सुंदर लगेगा। साथ में इसका जो दुपट्टा है वो भी बहुत सुंदर है, तो इसको मैं जल्दी ही बनवाऊंगी और आपके साथ फिर शेयर करूंगी। तो इसका दुपट्टा का मतलब दुपट्टा भी एकदम सॉफ्ट वाला मटेरियल है, बहुत ही सुंदर सा, तो इसको भी आप देख सकते हैं। तो ये जो दोनों पीसेज है ना, ये मतलब ये कुर्ती स्टाइल में बनवाइए तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, ये रेयॉन मटेरियल है, लेकिन पहले वाला जो है उसका जो मटेरियल दिया हुआ है ना वो थोड़ा सा थिक मटेरियल है, अलग टाइप का, और इसका तो आप छोटा सा कुर्ती या ब्लाउज कैसा भी आप बनवा सकते हैं। तो बहुत ही सुंदर लगा मुझे ये। तो ये मैं दो पीस लेके आई हूँ इस तरह के, और एक स्कर्ट लेके आई हूँ। तो ये मेरी छोटी सी शॉपिंग है जो मैं वृंदावन से इस बार लेके आई थी। इसके अलावा तो मैं ठाकुर जी की सारी शॉपिंग लेके आई थी, जो भी चीज़ें लाई थी वो मैं भगवान के लिए, तो उनमें से कुछ चीज़ें अभी मैंने एक दो बार शॉर्ट्स में, वीडियो में आपको दिखा दिया है, कुछ मैं फ्रेंड्स के लिए लेके आई थी, उनके साथ शेयर किया है। तो उम्मीद है ये छोटी सी शॉपिंग आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करके फीडबैक दीजिएगा। अगर आपको ऑनलाइन शॉपिंग करनी है गोपी ड्रेस की तो मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज दीजिएगा, मेरा इंस्टाग्राम आईडी यहाँ पे आ रहा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, थैंक यू सो मच।